डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 का आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम लोग जो चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिकली वो पिक्चर्स के हवाले से, यानी अगर हम अपने डॉक्यूमेंट में कोई पिक्चर यूज़ करना चाहते हैं, कोई ग्राफिक्स यूज़ करना चाहते हैं, कोई चार्ट यूज़ करना चाहते हैं तो किस तरीके से हम उसे यहाँ पर जो वो इंक्लूड कर सकते हैं, आइए जरा इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ओपन करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016, क्लिक करता हूँ ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर और ये मेरे पास एक डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। इसकी परसेंटेज में कर देता हूँ 100%, ये 100% पर आ गया। सबसे पहले तो अभी हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं क्या, मैं लिख के बताया था आपको, ये वापस आया था मैं होम पर, हम जा रहे हैं अभी पढ़ने जा रहे हैं इंसर्टिंग पिक्चर्स, कि अगर कोई पिक्चर्स मुझे इसमें इंसर्ट करनी हो तो किस तरीके से हम जो है वो अपने डॉक्यूमेंट में कोई पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। मैं एक नई विंडो ओपन कर रहा हूँ, नए डॉक्यूमेंट ओपन कर रहा हूँ ताकि मैं आपको इस डॉक्यूमेंट में मैं आपको बताऊँगा क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे और इस डॉक्यूमेंट में आपको बताऊँगा कि किस तरीके से हम उस पर काम कर रहे हैं। पिक्चर अगर आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो इसके लिए आप देखिए ऊपर जाइए, यहाँ पर लिखा हुआ इंसर्ट, इंसर्ट पे क्लिक कीजिए, यहाँ पर आ जाएगा पिक्चर्स। हम यहाँ पर इस वक्त पिक्चर्स इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए पिक्चर्स पे, पिक्चर्स पे आपने क्लिक किया, वो पूछ रहा कहाँ से लेनी है आपको पिक्चर। मैंने कहा कि भाई डेस्कटॉप पर मैंने सेव किया, डेस्कटॉप पर जाइए और डेस्कटॉप पर एक पिक्चर पड़ी हुई होगी, ये पिक्चर मुझे उठानी है, इस पर इंसर्ट कीजिए और ये इंसर्ट हो गई पिक्चर। थोड़ी सी बड़ी पिक्चर है ये, देखिए इस वक्त ये एक पिक्चर माशाल्लाह से बड़ी प्यारी सी पिक्चर मेरे सामने आ गई है, पिक्चर का साइज़ बहुत बड़ा है। अब मुझे इस पिक्चर के साइज़ को थोड़ा सा छोटा करना है। अच्छा देखिए, आम तौर पर हम लोग गलती क्या करते हैं, जो कि हो सकता है कि कहीं कहीं वो सूटेबल हो लेकिन पिक्चर्स की फॉर्म में तो वो गलती मुझे, मतलब वो चीज़ मुझे बिल्कुल सूटेबल नहीं लगती, कि हम इसको पिक्चर को यहाँ से पकड़ कर छोटा करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से पकड़ के छोटा करने की वजह से देखिए इसकी जो जो इस पिक्चर की ओरिजिनलिटी है वो क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, यानी पिक्चर जो है थोड़ी सी दब गई है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। और अगर इस तरीके से आप इसको पकड़ के करते हैं तो देखिए तब भी इसकी हालत कुछ ऐसी हो जाएगी बिल्कुल अजीब सी। तो इस तरीके से आपको पिक्चर को, मैं ये समझता हूँ कि इस तरीके से आपको इसको एडजस्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर कोई और पिक्चर हो जिसमें कोई शक्ल वकल ना हो, कोई शेप वगैरह हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन जिसमें शक्लें वगैरह मौजूद हैं उसमें आप इस तरीके से ना करें। फिर आप कहाँ से कीजिए, इस कॉर्नर से पकड़कर आप इसे क्या कर लीजिए, छोटा कर लीजिए, आपकी पिक्चर क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो ये आपके सामने पिक्चर मौजूद है, इस पिक्चर को आप अभी कहीं पर भी मूव नहीं कर सकते, ठीक है जी। अब इसको मूव करना चाहे अगर तो ये पिक्चर अभी कहीं पर भी मूव नहीं होगी। अभी हमने सिर्फ क्या पढ़ा कि अगर हमें अपने डॉक्यूमेंट में कोई पिक्चर अगर हमें इंसर्ट करनी हो, हमें बिल्कुल ज़रूरत पड़ती है भाई। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपना डॉक्यूमेंट बना रहे होते हैं, आपने अक्सर बुक्स वगैरह देखी हो तो बुक्स में भी डॉक्यूमेंट में जो भी बुक्स में टेक्स्ट लिखा होता है उस टेक्स्ट में पिक्चर्स भी मौजूद होती है, स्पेशली जो बच्चों की बुक्स होती हैं वहाँ पर पिक्चर्स भी साथ साथ मौजूद होती है। तो अगर हमें कोई पिक्चर यहाँ पर इंसर्ट करनी है तो किस तरीके से हम अपने पिक्चर को जो है वो यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये तो मेरे पास डेस्कटॉप की पिक्चर थी, वो मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर ली, लेकिन एक तरीका और है, मतलब एक और चीज़ यहाँ पर मौजूद है जिसे हम कहते हैं स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट भी आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं कि आप के डेस्कटॉप का जो भी स्क्रीनशॉट है या इस वक्त आपके डेस्कटॉप पे कोई चीज़ अगर ओपन है तो आप उसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे जाइए, इंसर्ट पे क्लिक कीजिए, इंसर्ट पे देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा क्या, स्क्रीनशॉट का, इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद वो यहाँ पर कह रहा आपसे स्क्रीन क्लिपिंग, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये आपकी विंडो मिनिमाइज हुई और आपके सामने एक रीसेंट विंडो, यानी कि इसके अलावा जो विंडो होगी वो आपके सामने खुल जाएगी। इस विंडो पर आपको जिस हिस्से का स्क्रीनशॉट लेना है, फॉर एग्जांपल आपको इस हिस्से का स्क्रीनशॉट लेना है, आप लेफ्ट माउस को, मतलब माउस के लेफ्ट क्लिक को दबा कर रखिए और जितने हिस्से का लेना है उतने हिस्से का लेने के बाद फौरन इसको छोड़ दीजिए। अब ये हिस्सा देखिए यहाँ पर क्या हो गया, स्क्रीनशॉट पर आ गया। अच्छा, ये खास कोई पता चला नहीं हमें तो अब दूसरे तरीके से लेते हैं, इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ और इसको भी मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ और वापस अपनी वही वाली विंडो खोलता हूँ। और अब मैं स्क्रीनशॉट लेना चाहता हूँ अपने इस डेस्कटॉप का, तो कैसे लेते हैं, इसके अलावा पीछे कुछ और ओपन नहीं होना चाहिए, इसके अलावा पीछे जो कुछ भी ओपन होगा उसका स्क्रीनशॉट आ जाएगा। तो मैं इस पर आता हूँ, इंसर्ट पे जाता हूँ, इंसर्ट पे आने के बाद इनकी स्क्रीनशॉट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं स्क्रीन क्लिपिंग पे, स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक किया, वो विंडो नीचे हो गया, मेरे पास ये विंडो मौजूद है। आप ये स्क्रीन जो है आपकी थोड़ी सी लाइट हो जाएगी, लाइट जैसे ही होगी उस वक्त फिर आप अपने माउस को ओपन कीजिए, मतलब स्क्रीनशॉट लेने के लिए। यहाँ से मैं इसका लेफ्ट क्लिक दबा के रखता हूँ, अब जितने हिस्से को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ उतने हिस्से का स्क्रीनशॉट जो है वो मेरे डॉक्यूमेंट पर आ जाएगा। मैं इसको छोड़ रहा हूँ, अब देखिए यहाँ पर जो है वो ये आ गया। अब इसको मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, अपने मुताबिक रीस्केल कर सकता हूँ, यानी इसके साइज़ को छोटा या बड़ा कर सकता हूँ मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। अच्छा, ये यहाँ से मूव नहीं हो रहा भाई, क्यों नहीं मूव रहा, उसकी वजह है क्योंकि जब डॉक्यूमेंट आपके जो भी इमेजेस
सॉरी आपकी बनती है, वो सब जो है वो एक स्केल, एक उस पर पैटर्न पर होती है, यानी कि एक साथ कनेक्टेड होती है, मतलब एक गैप के साथ नहीं होती है, ये सब एक डायरेक्शन में बन रही होती है। तो अगर हमें इसकी डायरेक्शन को आगे पीछे करना है, यानी इसको ऊपर इसको नीचे अगर हमें करना है, तो उसके लिए हमें एक काम करना पड़ता है, वो काम मैं अभी आपको थोड़ी देर के बाद बता देता हूँ, बल्कि चले भी बता देता हूँ। आप यहाँ पर एक काम कर दीजिए, टेक्स्ट रैपिंग पर जाइए, और टेक्स्ट रैपिंग पर जाने के बाद किसी पर भी एक दफ़ा क्लिक कर दीजिए, बस अब आप इस डॉक्यूमेंट, इस इमेज को क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। टेक्स्ट रैपिंग पे जाइए, स्क्वायर पे फॉर एग्जांपल आपने क्लिक कर दिया, अब आप इसको क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। जब तक आप इसको टेक्स्ट रैपिंग नहीं करेंगे, तब तक ये जो है वो आपकी इमेज मूव नहीं हो सकती। तो ये दो इमेजेस इस वक्त मेरे सामने मौजूद हैं, दोनों इमेजेस आपके सामने मैंने जो है वो रखकर बता दी। मैंने अभी आपको क्या बताया, इंसर्ट पिक्चर करना बताया मैंने आपको, और मैंने क्या बताया आपको, इंसर्ट स्क्रीन शॉर्ट्स लेना मैंने आपको बताया, दो चीज़ें मैंने आपको बता दी, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके अलावा मज़ीद के ऑप्शंस है फॉर्मेट का, पिक्चर को फॉर्मेट कैसे करना है। जब आप जैसे ये अभी इसमें इस वक्त मेरे पास कोई पिक्चर सेलेक्ट नहीं है, जैसे ही आपको एक पिक्चर सेलेक्ट करेंगे, ऊपर देखिए यहाँ पर आपको एक टैब नज़र आने लगेगा फॉर्मेट का, ये देखिए मैंने सेलेक्ट किया, फॉर्मेट का टैब आ गया, इसको हटा देता हूँ चला जाएगा, इसको सेलेक्ट किया फॉर्मेट का टैब नज़र आ जाएगा, यानी जैसे ही आप किसी पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे उस वक्त उसके बाद जो है वो फॉर्मेट का टैब नज़र आ जाएगा, यानी फॉर्मेटिंग पिक्चर्स। अब हम पिक्चर्स को क्या कर रहे हैं, फॉर्मेट करने जा रहे हैं। सपोज मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, फॉर्मेट पे जाता हूँ। अब फॉर्मेट के अंदर बहुत सारे इसके अंदर ऑप्शंस मौजूद हैं, जिसे आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। आइए ज़रा इनको यूज़ करना सीखते हैं। सबसे पहले तो आप इसके साइज़ को डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ से मैंने आपको इसका साइज़ जो है वो चेंज करना बताया था। जैसे आप इसके साइज़ को यहाँ से चेंज कर रहे हैं, ये देखें यहाँ पर भी इसका साइज़ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो आप यहाँ से भी इसके साइज़ को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये यहाँ से भी इसका साइज़ क्या हो जाएगा, देखिए चेंज होता जाएगा। तो आप यहाँ से भी इसके साइज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ से करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं, या हाथ से पकड़ के करना चाहें तो हाथ से पकड़ के भी कर सकते हैं। इसके अलावा है क्रॉप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है कि आपकी पिक्चर में कभी कभी ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल ये वाली पिक्चर की बात करता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि मुझे जो नीचे जो ये लिखा हुआ ना ये कट गया, मुझे ये चाहिए ही नहीं अब, तो क्या कर दूँ, इसको नीचे से पूरा काट देता हूँ। क्रॉप में जाइए, क्रॉप में जाने के बाद ये लिखा हुआ है क्रॉप, क्रॉप पे आइए। अभी आपके सामने देखिए जो इसके एजेस हैं ये थोड़े से डार्क ब्लैक कलर के हो गए, यहाँ से पकड़िए इसको और जितने हिस्से को आपको क्रॉप करना है यहाँ तक आ जाइए, इतने हिस्से को मुझे क्रॉप करना है, यानी नीचे वाला हिस्सा नहीं चाहिए। नीचे वाले हिस्से आने के बाद जो है वो आप इस पर क्लिक कर दीजिए दोबारा क्रॉप पे, आपका नीचे वाला हिस्सा क्या हो गया, क्रॉप हो गया। तो अगर आप अपनी इमेज को क्रॉप करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन मौजूद है फॉर्मेट के अंदर, किस चीज़ का ऑप्शन मौजूद है, क्रॉप के अंदर। तो फॉर्मेट के अंदर मैंने आपको अभी दो चीज़ें पढ़ाई, पहली चीज़ मैंने आपको क्या पढ़ाई, साइज़, कि आप अपने पिक्चर के साइज़ को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अच्छा, मैं इससे पहले बुलेट्स दे दूँ ताकि आपको याद रहे कि हम यहाँ पर जो वो बुलेट्स पढ़ रहे हैं। साइज के बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया, क्रॉपिंग, कि पिक्चर्स को क्रॉप किस तरह से करना है आपको, ठीक है जी। ये क्रॉप है, चले मैं क्रॉप ही लिख देता हूँ वरना आप कंफ्यूज होंगे सर ये क्रॉपिंग क्या था। तो क्रॉप करना, अच्छा क्रॉप में एक चीज़ और है वो आपको देखिएगा भी अच्छा लगेगा आपको, ये है यहाँ पे क्रॉप टू शेप, यहाँ पे इनके कुछ शेप्स बने बनाए हैं, आप इन शेप्स के मुताबिक अपनी पिक्चर्स को क्या कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं इसमें से कोई पिक्चर लेता हूँ, मैं पिक्चर ले लेता हूँ ये वाली, तो ये देखिए आप मेरी उस पिक्चर के शेप में मेरी पिक्चर क्या हो गई है, क्रॉप हो गई है। तो जो आप यहाँ पर स्टाइल सेलेक्ट करेंगे आपकी पिक्चर उसी स्टाइल में क्या हो जाएगी, क्रॉप हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर इसके कुछ रेशोज़ हैं, यानी कि पिक्चर के कुछ साइजेस होते हैं, ये साइज़ अगर आपको मालूम है कि पिक्चर के साइज़ क्या होते हैं तो आप इसके मुताबिक इसे क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पिक्चर का साइज़ उसके मुताबिक, देखिए उसने बता दिया कि भाई ये यहाँ से यहाँ तक एडजस्ट होगा, आप यहाँ से यहाँ तक, आपको लगता है कि इसको मुझे यहाँ से यूँ करके मूव करना है, इतने हिस्से को एडजस्ट करना है, साइज इसका चेंज नहीं होगा, बस इसकी जो पोजीशन है वो पोजीशन आप बता दीजिए कि इस हिस्से में किस चीज़ को लेकर आना है और किस चीज़ को लेकर नहीं आना, तो उसका साइज अपनी जगह बरकरार रहेगा। करने के बाद आप इस पर कर दीजिए ओके, ये आपकी पिक्चर क्या हो गई, क्रॉप हो जाएगी। तो आप अपने साइज के मुताबिक पिक्चर को क्या कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर एक और ऑप्शन है रोटेट का, आप अपने पिक्चर्स को क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने ये ऑलरेडी ऑप्शन एक जगह और पढ़ा था, रोटेट पर आता हूँ। ये देखिए जिस डायरेक्शन में आपको घुमाना है, अगर आप इसको रोटेट राइट पे करेंगे तो ये राइट साइड पर रोटेट हो जाएगा, रोटेट लेफ्ट पे करेंगे तो लेफ्ट साइड पर रोटेट हो जाएगा, रोटेट हॉरिजॉन्टल करेंगे सॉरी वर्टिकल करेंगे, वर्टिकल का मतलब है ये बिल्कुल अपोजिट नीचे की तरफ आ जाएगा, देखिए नीचे की तरफ अपोजिट आ गया। और अगर आप इसे रोटेट हॉरिजॉन्टल करेंगे, जैसे स्पेशली हम यहाँ पर कर सकते हैं रोटेट हॉरिजॉन्टल पे, रोटेट हॉरिजॉन्टल,
अब इस बच्ची का मुंह देखिए उस तरफ चला गया, पहले इस बच्ची का मुंह इस तरफ था, अब इस बच्ची का मुंह जो है वो उस तरफ चला जाएगा। तो इस तरीके से भी हम अपने पिक्चर्स को क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो थोड़ा सा रोटेट करना चाहें तो थोड़ा सा रोटेट कर सकते हैं, वो यहाँ से पकड़ के आप रोटेट कर दीजिए। यहाँ से तो पूरे रोटेशन हो रही थी, पूरी राइट 90 डिग्री पर, राइट जो है वो 90 डिग्री लेफ्ट साइड पर हो रही थी, इस तरीके से पूरी रोटेशन हो रही थी। लेकिन आप थोड़ी सी रोटेशन अगर चाहते हैं तो आप यहाँ से पकड़ कर इसको क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। इसकी भी हमें कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ जाती है तो आप इसको भी क्या कर सकते हैं, इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं। किसी भी पिक्चर को आप रोटेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको यहां पर रोटेट कर दिया, तो आप अपने पिक्चर्स को क्या कर सकते हैं, रोटेट भी कर सकते हैं। तो यहां पर हमने एक और ऑप्शन पढ़ा इसका भी, रोटेट। और क्या पढ़ना है हम इसके अंदर, और हम इसके अंदर भी पढ़ने जा रहे हैं अलाइन। अच्छा, आपको याद हो अगर तो मैंने आपको अलाइन पहले भी पढ़ाया था, जब मैंने आपको टेक्स्ट बॉक्स पढ़ाया था, तो टेक्स्ट के जिस तरह से हमने टेक्स्ट में अपनी चीज़ों को, टेक्स्ट बॉक्स को अलाइन किया था, बिल्कुल उसी तरीके से हम यहाँ पर भी इसको क्या कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक पिक्चर यहाँ, एक पिक्चर यहाँ, मैं चाहता हूँ कि दोनों पिक्चर एक सीध में आ जाए, तो इसको सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल का बटन दबा के रखिए और इसको भी सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर जाइए अलाइन पर, अलाइन पर जाने के बाद लेफ्ट से आपको अलाइनमेंट चाहिए तो ये है अलाइन लेफ्ट, लेफ्ट अलाइन करेंगे तो दोनों पिक्चर जो वो एक सीध में आ जाएंगी। तो ये आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग पहले, अगर आपको मेरी बात याद हो तो, ये तमाम अलाइनमेंट वो है जो कि हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। आप इसे एक बार ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा, अगर इसमें कोई परेशानी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह मैं आपकी परेशानी को फिर दूर करने की कोशिश करूँगा। अच्छा, यहाँ पर देखिए ये ग्रुप है, ग्रुप का मतलब मैंने आपको बताया था कि इन दो पिक्चर्स को एक साथ सेलेक्ट कीजिए और इसको ग्रुप कर दीजिए। ग्रुप का मतलब ये हुआ कि अब ये जो है वो आपकी एक पिक्चर बन जाएगी, अब ये दो पिक्चर नहीं रहेगी। तो अब ये पूरी की पूरी एक पिक्चर हो गई। अब आप इसको मूव करेंगे अगर, तो ये दोनों की दोनों एक साथ मूव होगी, क्योंकि ये क्या बन गया, ग्रुप बन गया। अनग्रुप करना है, फॉर्मेट में जाकर इसको दोबारा से क्या कर दीजिए, आप अनग्रुप कर दीजिए। अब दोनों पिक्चर्स आपकी क्या हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी। अब ये अलग मूव होगी और ये अलग मूव होगी। तो इस तरीके से आपने अपने पिक्चर्स को जो क्या किया, अलाइन भी कर दिया, और अलाइनमेंट भी मैंने आपको पढ़ा दी। अलाइनमेंट तो खैर हम पहले ही पढ़ चुके थे, आज मैंने आपको अलाइन पढ़ाया नहीं है क्योंकि अलाइन हम पहले पढ़ चुके थे। अच्छा, इसके बाद क्या है, इसके बाद है यहाँ पर पोजिशन। पोजीशन पर आते हैं, पोजीशन भी हम डिस्कस कर चुके हैं अगर आपको मेरी बात याद हो तो। इस पर अगर क्लिक करेंगे तो ये लेफ्ट पे आ जाएगी पोजीशन, इस पर सॉरी पोजीशन पर कहेंगे, पोजीशन पे अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सेंटर टॉप पे आ जाएगी, ये राइट टॉप पे आ जाएगी पिक्चर। और इसी तरीके से अगर आपको नीचे चाहिए तो बिल्कुल ये बॉटम आ जाएगी, बॉटम पे, लेफ्ट पे। तो ये इसकी पोजीशन भी है, या आप कहीं से भी आप इसकी पोजीशन को जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसकी कुछ बनाई बनाई पोजीशन है, मैं चाहता हूँ कि ये बिल्कुल टॉप पर आ जाए, टॉप सेंटर पे। तो टॉप सेंटर पे मैंने इसको क्लिक किया, ये बिल्कुल टॉप पे आ गई और सेंटर पे ये पिक्चर आ गई। अच्छा, इसके बाद टेक्स्ट रैपिंग है। अगर आपको याद हो कि टेक्स्ट रैपिंग मैंने आपको पढ़ाया था। अच्छा, टेक्स्ट रैपिंग के लिए मैं ज़रा इस पिक्चर को थोड़ा सा पहले क्रॉप कर दूँ। क्रॉप में जाने के बाद मैं इस पर जाता हूँ क्रॉप शेप्स पे, और क्रॉप शेप्स पे आने के बाद मैं इस पर क्लिक करता हूँ। किस पर क्लिक करूँ मैं, इस स्टाइल में मैं इसको क्रॉप कर देता हूँ। नहीं, अच्छा नहीं लग रहा, इसको नहीं करता, मैं इसको कर देता हूँ। क्रॉप शेप्स पे जाने के बाद मैंने इसको कर दिया है इस स्टाइल में, कितना गंदा सा लग रहा है। बहरहाल जो भी लग रहा है, अब मैं लिखना चाह रहा हूँ यहाँ पर इज इक्वल टू RANDE। अब आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आज, आपको मेरी बात जो है वो सही समझ में आने की कोशिश करेगी शायद। तो देखिए, ये इस वक्त ये पिक्चर मौजूद है, ठीक है। इस पिक्चर को मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर आता हूँ फॉर्मेट पे, और यह है टेक्स्ट रैप, यानी रैप टेक्स्ट, कुछ भी कह दीजिए एक ही बात है। इस वक्त जो है वो हुआ है टाइट। टाइट का मतलब ये है कि इसके जितने हद तक पॉसिबल हो सकता है, इस पिक्चर का साइज़ यहाँ से है, तो यहाँ तक जितना टेक्स्ट आ सकता था वो इस साइज़ के, इसके पूरे बॉर्डर के साइज़ पर जितना टेक्स्ट आ सकता था वो आ गया। इसके बाद यहाँ पर इसके मजीद ऑप्शन क्या है, सॉरी अभी स्क्वायर है, इसके बाद कर देता हूँ मैं टाइट। जैसे आप टाइट पे क्लिक करते हैं, टाइट का मतलब ये होता है कि जो इस शेप की आउटलाइन है, इस शेप की आउटलाइन, देखिए इस शेप की आउटलाइन जो है वो ये है, ये इस पिक्चर की आउटलाइन थी, लेकिन अब वो इस शेप की आउटलाइन के मुताबिक आ गया। इस शेप की आउटलाइन जो है वो यहाँ से आ रही है, तो यहाँ पर जो ऊपर का हिस्सा था यहाँ पर भी उसने टेक्स्ट को क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया। अच्छा, पहले वाले में क्या फ़र्क है, मैं इसको अंडू करता हूँ। पहले वाले पे गौर कीजिए कि जो पेज, इस पिक्चर के साइड पर जो आउटलाइन चल रही थी, ये इस आउटलाइन को टच नहीं कर रहा था, ये सिर्फ इस आउटलाइन के बाहर बाहर ही पूरा टेक्स्ट था। लेकिन जैसे ही मैंने इसको टाइट किया, इस आउटलाइन को छोड़कर इस पिक्चर की जो आउटलाइन थी, इस पिक्चर के जो साइड्स हैं, इस साइड तक जिस हद तक पॉसिबल था टेक्स्ट वहाँ पर आ गया। इसके अलावा यहाँ पर और क्या ऑप्शन है, यहाँ पर है थ्रो। थ्रो का ऑप्शन भी कुछ इसी तरीके का होता है कि जिस हद तक इसके मुमकिन होता है वहाँ तक आ जाता है। इसके बाद है टॉप एंड बॉटम, यानी इस पिक्चर के ऊपर टेक्स्ट होगा, इस पिक्चर के नीचे टेक्स्ट होगा, लेकिन इस पिक्चर के साइड पे कोई टेक्स्ट नहीं होगा, ये कहलाता है क्या, टॉप एंड बॉटम टेक्स्ट रैप। इसके बाद है बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब ये होता है कि ये आपका जो इमेज है, ये आपके टेक्स्ट के
पीछे चला जाएगा। देखिए आपके टेक्स्ट के जो है वो पीछे चला गया, ये अभी आपके टेक्स्ट के पीछे चला गया। अब इसकी इसकी वजह से टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा। बहरहाल जो भी है, अगर इमेज हल्की है तो आप इसे टेक्स्ट के पीछे लेकर जा सकते हैं। और एक और ऑप्शन है इसके अंदर टेक्स्ट रैप के अंदर, क्या है, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। ये क्या हो जाएगा, आपके टेक्स्ट के आगे आ जाएगा, यानी टेक्स्ट अब इसके पीछे छुप रहा है। सही है, पीछे इसके पूरा का पूरा टेक्स्ट क्या हो गया, आपका छुप गया पूरा का पूरा टेक्स्ट। अगर आप छुपाना चाहते हैं तो इसको ऊपर लेकर आ जाइए, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, पीछे आपका जो है वो टेक्स्ट क्या हो जाएगा, छुप जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है वो इसको यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, किसको, टेक्स्ट रैप को आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर क्या चीज़ पढ़ी, हमने यहाँ पर पोजिशन पढ़ा और रैप टेक्स्ट पढ़ा, पोजिशन और रैप टेक्स्ट। अच्छा, अब इसके अलावा हम यहाँ पर मज़ीद क्या चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं, अभी भी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। तो आइएगा इसके आगे देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है क्विक स्टाइल्स। क्विक स्टाइल्स पर आते हैं, जैसे आप क्विक स्टाइल पे क्लिक करते हैं यहाँ पर कुछ स्टाइल्स मौजूद हैं। आप अच्छा, मैं थोड़ा पिक्चर को ऐसी जगह पर रखूँ कि आपको नज़र आए। अच्छा, इस वाली पिक्चर को नहीं बल्कि मैं इस वाली पिक्चर को थोड़ा सा स्टाइल देना चाहता हूँ। मैंने इसको कॉर्नर पे गया, मैं यहाँ पे आता हूँ क्विक स्टाइल्स। क्विक स्टाइल पे आने के बाद यहाँ पर इनके जो स्टाइल्स हैं, गौर करते रहिएगा पिक्चर पर, आपको इसके स्टाइल्स है वो बाकायदा नज़र आते रहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर फ्रेम टाइप का बन गया पूरा का पूरा, यूँ समझ लीजिए फ्रेम टाइप के कुछ स्टाइल्स हैं इनके। जिस तरीके का स्टाइल आपको यहाँ पर पसंद आ रहा है आप वो स्टाइल यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। 3D स्टाइल्स भी मौजूद हैं कुछ कुछ इसमें। ओहो, बहरहाल जो आपको मुनासिब लगे आप इसमें से वो स्टाइल बिल्कुल सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई ममानियत नहीं है इसमें, कोई कानून की पाबंदी नहीं है इसमें, आपकी मर्ज़ी है कि आप कौन सा स्टाइल जो है वो सेलेक्ट करना चाहते हैं। बहरहाल तो ये हम यहाँ पे कोई सा भी स्टाइल अपनी पिक्चर को दे सकते हैं, कहाँ से, क्विक स्टाइल्स में से जाकर। अच्छा, इसके अलावा और क्या ऑप्शन हैं यहाँ पर, ये हैं पिक्चर के इफ़ेक्ट्स। ये वही इफ़ेक्ट्स हैं जो हम बार बार ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, शेडो है, रिफ्लेक्शन है, ग्लो है, 3D है। ये ऑप्शन में ऑप्शन आपको मैं पहले भी दो बार पढ़ा चुका हूँ, तो ये सारे के सारे हमारे पास वही ऑप्शन हैं। अच्छा, मैंने आपको क्या पढ़ाया अभी, क्विक स्टाइल्स पढ़ाया। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मौजूद है अभी जो कि आप पढ़िएगा, वो है क्या यहाँ पर, कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट। ये बड़ी अच्छी चीज़ है यहाँ पर जिसको हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। मैं इस पिक्चर पे सेलेक्ट किया हुआ है मैंने, और यहाँ पर जाने के बाद मैं क्लिक करता हूँ कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट। मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो लिख देता हूँ यहाँ पर, कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स। तो आप इस पर क्लिक कीजिए कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स पे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स पे, आपके सामने एक ये विंडो सी ओपन हो जाएगी। अब इसके मुताबिक आपको जो भी सिलेक्शन लेनी है, आप जब देखें सिलेक्शन ले रहे हैं तो वहाँ पे आपको प्रीव्यू शो कर रहा है कि किस तरीके से ये आपको शो होगा, ये शो कर रहा है आपको साथ साथ। अच्छा, ये भी बता दूँ ये हम इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं। अभी मैं आपको इसको सिलेक्ट कर लूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि हम नॉर्मली ये कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के मैं सिलेक्ट करता हूँ ये, जैसे कि आपने देखा होगा कि जब कोचिंग सेंटर्स के या कॉलेजेस वगैरह के ब्रोशर वगैरह प्रिंट होते हैं तो वहाँ पर जो है वो इस तरीके से टीचर की पिक्चर होती है और यहाँ पर टीचर का नाम मौजूद है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल इरहा, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमने जो है वो टीचर की पिक्चर दी, हमारी टीचर है माशाल्लाह से, और ये इनकी जो है वो पिक्चर यहाँ पर हमने लगा दी और उसके आगे जो है वो हमने इनका नाम लिख दिया। इसी तरीके से दूसरी पिक्चर लगाएंगे, दूसरी पिक्चर पर भी हम इसी तरीके से उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो जितनी पिक्चर्स आप लगाते जाएंगे इस तरीके से आप अपनी पिक्चर को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, आपने अपनी पिक्चर को बेसिकली कन्वर्ट किया है स्मार्ट आर्ट में। ये स्मार्ट आर्ट कहाँ था, डिज़ाइन में जाने, सॉरी इंसर्ट में था। इंसर्ट में जाने के बाद आपकी जो पिक्चर थी, सॉरी फॉर्मेट में था। फॉर्मेट में जाने के बाद फॉर्मेट, ये रहा आपका पिक्चर, ये था स्मार्ट आर्ट। क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट कर चुका हूँ तो ये ऑलरेडी इसमें कन्वर्ट हो चुका है। अच्छा सर, मुझे इसका डिज़ाइन चेंज करना है, डिज़ाइन मुझे इसका पसंद नहीं आ रहा। तो आप क्या कीजिए, इस पिक्चर पर आ जाइए, ये स्मार्ट आर्ट टूल लिखा हुआ रहा है इस पर जाइए, इसमें फॉर्मेट में जाइए, बल्कि इसमें डिज़ाइन में जाइए। यहाँ पर इसके डिज़ाइन दोबारा आपको नज़र आ जाएंगे कि और किस डिज़ाइन में, आपको ये डिज़ाइन पसंद नहीं आ रहा आप किसी और डिज़ाइन में लीजिए। ये देखिए भाई, इस डिज़ाइन में आ गया। नहीं सर ये भी पसंद नहीं आ रहा, ये वाला डिज़ाइन लेना, ये वाला ले लीजिए। नहीं सर ये भी पसंद नहीं आ रहा, ये वाला ले लीजिए। अरे भाई कोई सा डिज़ाइन तो ले लीजिए, जो आपको डिज़ाइन यहाँ से पसंद आ रहा है आप यहाँ से वो डिज़ाइन क्या कर लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए। तो इस तरीके का आप यहाँ पर डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें कलर्स भी हैं, आप इसे कलर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस तरीके का आपको यहाँ पर कलर चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन किस तरह से चाहिए। इसके अलावा कलर कॉम्बिनेशन के अलावा इसमें जो डिज़ाइनिंग है वो डिज़ाइनिंग भी आप मुख्तलिफ तरीके से यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये कलर कॉम्बिनेशन है और इसकी जो है वो स्टाइल्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो इस तरीके से जो है वो आप अपनी पिक्चर को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स में आप अपनी पिक्चर को जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, वापस आ जाते हैं अपनी पिक्चर को, पिक्चर की हालत में ले आते हैं भाई। ये आ गए हमारी पिक्चर वापस पिक्चर की हालत में।
फॉर्मेट पे चलते हैं दोबारा से। तो अभी हमने क्या पढ़ा, क्विक स्टाइल पढ़ा हम लोगों ने, और क्या पढ़ लिया हम लोगों ने, स्मार्ट आर्ट पढ़ लिया। अब इसके बाद आते हैं हम अपनी पिक्चर को थोड़ा सा हम क्या करना चाहते हैं, थोड़ा सा हम इसे अरेंज करना चाहते हैं। किस तरीके से हम इसे अरेंज करना चाहते हैं, चेंज पिक्चर, पेज चेंज पिक्चर, इस पिक्चर की जगह अगर दूसरी पिक्चर लाना चाहते हैं तो चेंज पिक्चर पर क्लिक कीजिए, फ्रॉम फाइल, आपकी फाइल से लेकर आना चाहते हैं यानी अपने कंप्यूटर से लेकर आना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, आपके कंप्यूटर से कोई नई पिक्चर उठकर यहाँ पर आ जाएगी। नहीं जाना चाहते, इसको रखना चाहते तो यहीं पे छोड़ दीजिए। अच्छा, अब हम आते हैं इसकी जगह करेक्शन पर, ये यहाँ कलर्स पर आइएगा। कलर्स पर क्लिक करेंगे जैसे आप, तो यहाँ पर देखिए कलर्स इसके मौजूद हैं, कौन सी कलर्स की थीम आपको यहाँ पर अप्लाई करनी है। ये बेसिकली आपके कलर्स के कॉम्बिनेशन को यहाँ पर शो कर रहा है कि कलर जो है वो किस तरीके का आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं। ये अगर आपको याद हो तो आप लोग जब अपने मोबाइल फ़ोन में इसे यूज़ करते हैं पिक्चर लेते हुए थीम वगैरह के तौर पर, तो इस तरीके की यहाँ पर जो कलर कॉम्बिनेशन है जो आपको यहाँ पर सूट करता है। ब्लैक एंड वाइट लेना चाहते हैं, ब्लैक एंड वाइट ले लीजिए, किसी और तरीके का लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जिस तरीके का लेना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर दीजिए, ये पिक्चर उस स्टाइल में क्या हो जाएगी आपकी, कन्वर्ट हो जाएगी। नहीं लेना चाहते हैं दोबारा अंडू कर दीजिए, दोबारा वापस जो है वो पुरानी हालत में आ जाएगी। तो ये मैंने आपको क्या बताया, अभी कलर बताया। इसके अलावा यहाँ पर आर्टिस्टिक इफेक्ट्स मौजूद हैं इसके कुछ, तो ये देखिए भाई इसके आर्टिस्टिक इफेक्ट्स कैसे होते हैं, कुछ ऐसे ऐसे होते हैं। थोड़ा सा मेरा सिस्टम स्लो हो जाता है पिक्चर पर आने के बाद, पिक्चर थोड़ी सी हैवी है शायद, या पता नहीं क्या मेरा सिस्टम जो है थोड़ा सा हैंग हो रहा है। तो ये देखिए पिक्चर से कुछ आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट्स मौजूद हैं यहाँ पर, आप इन इफ़ेक्ट्स को यहाँ से क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। जो इफ़ेक्ट जैसे ये जैसे ब्लर इफेक्ट है, अब इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी पिक्चर थोड़ी सी क्या हो जाएगी, थोड़ी सी क्या बल्कि बिल्कुल ही ब्लर हो जाएगी। तो इन इफेक्ट्स को आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ ब्लर, ये देखिए पिक्चर मेरी क्या हो गई, ब्लर हो गई। तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ पर कोई भी इफेक्ट यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है यहाँ पर करेक्शन, करेक्शन पर क्लिक करेंगे तो करेक्शन का मतलब ये कि ब्राइटनेस की यहाँ पर आपको बात कर रहा है, ये ब्राइटनेस कुछ यहाँ पर शो करता है, ये ब्राइटनेस बिल्कुल डार्क हो गई, ये थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, थोड़ी सी और ज़्यादा, थोड़ी सी और लाइट, और ये जितनी ज़्यादा ब्राइटनेस करना चाहते हैं यहाँ पर आप अपने काले से काले इंसान को भी गोरे से गोरा यहाँ पर बना सकते हैं। तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ पर ब्राइटनेस को भी क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। तो और क्या पढ़ा अभी हम लोगों ने, अभी हमने यहाँ पर पढ़ा कलर्स को, कलर्स को, और क्या पढ़ा हमने, आर्टिस्टिक, ए आर ए आर टी आई एस, आर्टिस्टिक, आर्टिस्टिक इफेक्ट्स, आर्टिस्टिक इफेक्ट्स को पढ़ा हम लोगों ने, और क्या पढ़ा हम लोगों ने, करेक्शंस को पढ़ा। बहुत सारी चीज़ें आज हम लोगों ने पढ़ ली कि अगर आपको पिक्चर इंसर्ट करना हो, पिक्चर कहाँ से इंसर्ट करनी है, किसी फाइल से इंसर्ट करनी है यानी डेस्कटॉप से, या स्क्रीनशॉट लेना है, और लेने के बाद अगर हम उसे क्या नाम है उसको फॉर्मेट करना चाहते हैं पिक्चर्स को, तो मुख्तलिफ तरीके हमारे पास यानी मुख्तलिफ चीज़ें उसके अंदर हमारे पास मौजूद है जिससे हम अपने पिक्चर्स को क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं। तो ये आज का लेक्चर था, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये पूरा लेक्चर आपको जो है वो समझ आया होगा। अच्छा, ये जो टूल है फॉर्मेट का, ये टूल एक ही जगह पर सिर्फ पिक्चर में इस्तेमाल नहीं होता, ये टूल बहुत सारी जगह पर इस्तेमाल होता है, आप इसे बहुत सारी जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ आपका दिल करे आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपकी मर्ज़ी है कि आप इसे कहाँ पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिधर आपका दिल करे आप इसे वहाँ पर इस्तेमाल कर दीजिएगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया, देखिए इस वक्त जो ये ए फॉर अकाउंटिंग वाली पिक्चर है ये इस वक्त ऊपर है, और जो नीचे वाली पिक्चर है वो इसके नीचे। मैं चाहता हूँ कि ये वाली जो ए फॉर अकाउंटिंग वाली पिक्चर है वो इसके पीछे चली जाए, पुरानी वाली पिक्चर के पीछे चली जाए। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ इस वक्त ये ब्रिंग फॉरवर्ड पर क्लिक हुआ है, आप कर दीजिए ब्रिंग टू फ्रंट, सॉरी इसको सेलेक्ट कीजिए और इस पर कर दीजिए ब्रिंग फॉरवर्ड पे, अभी वाली पिक्चर क्या हो जाएगी आपकी, आगे आ जाएगी। अच्छा, इसको अगर पीछे लेके जाना है तो क्या कर दिए सेंड बैकवर्ड, ये पीछे चले जाएगी, आगे लाना है तो ब्रिंग फॉरवर्ड पे, पीछे लाना है तो सेंड बैकवर्ड पे क्लिक कर दीजिए। तो जो पिक्चर आपको आगे लेकर आनी है वो आगे लेकर आ जाइए, जो पिक्चर आपको पीछे लेकर जानी है वो पीछे लेकर चले जाइए, जैसा आपको दिल करता है आप वैसे इसको यहाँ पर जो वो एडजस्ट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में को मैं अपना यहीं पर अपना एंड कर देता हूँ, इसको मैं बंद कर देता हूं और इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूं कि आज के लेक्चर में हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। ऑलमोस्ट हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो इख्तिताम पर है, मतलब कुछ लेक्चर्स अभी इसके बाकी हैं, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी हमारे अब अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।